यही है कि कुछ बात आई नहीं लाइन पे, मानना चाहिए लोगों, क्योंकि ज्यादा लंबा होगा तो बहुत नए इशू जुड़ेंगे। किसान तो यही अपना निगाह रखे भाई, कल बताएंगे सुबह तक कुछ होता है, नहीं तो फिर अपना किसान आओ अपना, अब रुकना तो पड़ेगा। राकेश टिकैत, बड़ी बड़ी सरकारें जिनके नाम से कांपती हैं और जिनके नाम का डंका किसानों में बजता है, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, जीडी रोड पर फुटपाथ पर लेटे हुए थे, कोई चंदर नहीं गंदा नहीं, बैग लिया मीडिया कर्मी का, उसको सिराना बनाया और लेट गए, 10 मिनट भी नहीं लेट पाए थे, तो सब इतना स्टेमिना, 20-20 घंटे 22-22 घंटे जाग के काम करते हो किसान। हम तो सो लिए अब 10 मिनट, अब ये तो नहीं पता सो गए, इतना जरूर, इतना स्टेमिना कहाँ से आता है, कितनी लड़ाई लड़ते हो किसान राजा सब, वो इन्हें छोड़ेगा कहाँ जाए, इन्हें छोड़ेगा कौन। अभी मीटिंग हुई है, जो मीटिंग के बाद कल तक फिर सुबह तक बात चल गई, 8 बजे होगी फिर एसकेएम की मीटिंग, तो देखो 8 बजे तक कुछ रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता, सुबह ही तक पता चलेगा, रात रात शाम तो यही रहेंगे, रात को सब यही रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, सरकार मान नहीं रही है इस तरह से देखा जाए तो। अब यही है कि कुछ बात आई नहीं लाइन पे, क्या लगता है सरकार मानेगी, आप सुबह का तो इकट्ठा देखते हो मान जाएगा, तो मानना चाहिए लोगों, क्योंकि ज्यादा लंबा होगा तो बहुत नए इशू जुड़ेंगे, अगर चला गया मुद्दा राष्ट्रीय स्तर की बहुत इशू जुड़ेंगे, फिर बहुत लोग आ जाएंगे, समझदारी इसी में मान जाए सरकार, मानना चाहिए सरकार। किसानों को क्या संदेश देना चाहिए, मैसेज क्या देंगे? किसान तो यही अपना निगाह रखे भाई, कल बताएंगे सुबह तक कुछ होता है, नहीं तो फिर अपना किसान आओ अपना, अब रुकना तो पड़ेगा, अब ऐसे छोड़ कर तो जाएंगे नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली की तरफ कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, राकेश टिकैत जी हमारे साथ, इनका कहना है कि अब कुछ दिल्ली नहीं यहीं पर होगा, लेकिन सरकार को सलाह देते हैं कि सरकार मान जाए, क्यों नहीं मानेगी तो मुद्दे बढ़ते जाएंगे। रात के 11 बज चुके हैं, राकेश टिकैत 10 मिनट मुश्किल से सोए लेकिन फिर जाग गए किसानों के लिए और मीडिया के बातचीत करने के लिए। हरियाणा तक के लिए कुछ चंद्र प्रकाश।